हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th की बुक, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई 1 कार्य, आजीविका और जीविका। इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। ये बहुत ही लंबा चैप्टर है जिसमें से हम लोग थोड़ा थोड़ा कार्य करेंगे, मतलब पढ़ेंगे इसको एक एक चैप्टर को और उसको समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चैप्टर का नाम है कार, आजीविका और जीविका। देखिए, स्वयं अपने लिए एक जीविका को तय करना आसान काम नहीं है। यानी आप ये समझ लीजिए कि अपने लिए एक करियर, जीविका मतलब आप अपना ज़िंदगी कैसे गुजारा करोगे। तो एक कैरियर तो सब लोग चुनते हैं ना कि बड़े होकर ये बनेंगे, एक जीविका होती है। तो स्वयं अपने लिए जीविका को तय करना आसान काम नहीं होता, क्योंकि एक हो तो बहुत सारे कैरियर के मार्ग खुले होते हैं कि हाँ कि इतने सारे कैरियर इनमें से एक चुनना है। और दूसरी ओर एक युवा व्यक्ति के लिए अभिरुचि और प्रतिभा का पहचान करके उस मानता भी देनी होती है। क्या होता है कि खूब एक तरफ क्या होता है, खूब सारे कैरियर के मार्ग खुले होते हैं, और दूसरी ओर क्या होता है, हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई एक अभिरुचि होती है, कोई ना कोई एक टैलेंट होता है, उसको पहचान कर उसको मान्यता देनी चाहिए। साथ ही कुछ मामलों में रुचियों में भी बहुत भिन्नता होती है, और साथ ही हर व्यक्ति में कुछ मामलों में और उसके इंटरेस्ट में आप देखो कि डिफरेंट होते हैं, उनका चयन करना आसान नहीं होता और उसका चयन करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। सही चयन करने के लिए युवाओं को विभिन्न संभावित विकल्पों को जानना बहुत जरूरी है, और एक करेक्ट चयन के लिए युवाओं को संभावित जो विकल्प है उसको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति अपनी अभिरुचि, प्रतिभा, व्यक्तिगत जो प्राथमिकताओं, आवश्यकताओं, इच्छाओं को पहचाने। जो व्यक्ति है, जो सबसे पहली प्राथमिक आवश्यकता है, जैसे घर है मकान है, ठीक है, भोजन है, इन सब जो प्राथमिक आवश्यकता है जिसके बिना इंसान नहीं रह सकता, उनको जो आवश्यकताएं हैं, जिस जो नीड है उसको पहचाने, जो उसकी इच्छाएं हैं उसको पहचाने। उसके बाद ऐसे जो विकल्प हैं उनकी खोजबीन प्रारंभ करें, उनको खोजें, जिसमें व्यक्ति अपने लाभ के साथ साथ सामाजिक योगदान की अपनी क्षमता को एकजुट करने का प्रयास करें। जिसमें क्या करें, ऐसी खोजबीन करें जिसमें वो क्या करे कि व्यक्ति अपने लाभ के साथ, अपने प्रॉफिट के साथ साथ जो सामाजिक योगदान के लिए अपनी क्षमताओं को एकजुट करने का प्रयास करे। उचित विकल्प से व्यक्ति सफलता और संतोष प्राप्त करता, और एक करेक्ट विकल्प से व्यक्ति को क्या मिलती है, जब वो सही चीज़ चुन लेता है, सही करियर चुन लेता है, सही चीज़ चुन लेता है, तो व्यक्ति को सफलता मिलती है और संतुष्ट भी होता है। कार्य और अर्थपूर्ण कार्य। कार्य मूलतः एक ऐसी गतिविधि है, जो कार्य है वो एक ऐसी क्या है, गतिविधि है जिसे सभी मनुष्य करते हैं, जिसके द्वारा प्रत्येक इस संसार में एक स्थान पाता है। भाई कार्य तो सबको ही करना है, और जिससे क्या होता है कि वो इस संसार में एक स्थान पाता है, नए संबंध बनाता है, नए रिलेशनशिप बनाता है, अपनी विशिष्ट प्रतिभाओं, कौशलों का उपयोग करता है। और जो अपनी जो विशिष्ट जो उसके अंदर टैलेंट होता है, उसके अंदर जो कौशल होते हैं, कुछ स्किल होती है, उनका क्या करता है, उपयोग करता है। सबसे ऊपर अपनी पहचान और समाज के प्रति लगाव की भावना को विकसित करना सीखता है, और अपनी पहचान और समाज के प्रति जो लगाव की भावना को विकसित करना सीखता है, उसमें वृद्धि करता है। कार्य का वर्णन आवश्यक गतिविधि के रूप में किया जा सकता है। जो कार्य का हम को डिस्क्राइब करेंगे वो किस में, जो आवश्यक इम्पोर्टेंट गतिविधि के रूप में कर सकते हैं, जो किसी उद्देश्य या आवश्यकता के लिए की जाती है। कार्य सभी संस्कृतियों का केंद्र बिंदु है। जो कार्य है, वर्क है, वो क्या है, सभी संस्कृतियों का क्या है, केंद्र बिंदु है।
प्रत्येक संस्कृति इसके बारे में अपने स्वयं के मूल संकल्पनाएं होती हैं, जो क्या होता है कि प्रत्येक संस्कृति के इसके बारे में अपने और स्वयं के मूल्य होते हैं, कुछ मूल होते हैं, सबकी संकल्पनाएं होती हैं। सभी मनुष्यों के लिए कार मुख्यतः दैनिक जीवन की अधिकांश गतिविधियां हैं। लोगों के द्वारा किए जाने वाले कार्य बहुत से कारकों पर निर्भर करते हैं। जो लोग हैं उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य बहुत से कारकों पर निर्भर करते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आयु, जेंडर, स्त्री पुरुष, अवसर की सुलभता, वैश्वीकरण, भौगोलिक स्थिति, वित्तीय लाभ, पारिवारिक पृष्ठभूमि, इन सब पे। अधिकांश व्यक्ति इतना धन अर्जित करने के लिए कार्य करता है जिससे परिवार का खर्च चल सके। तो देखिए, कोई भी इंसान है वो इतना धन अर्जित करने के लिए कार्य करता है कि जो परिवार का खर्चा वो चल सके, साथ ही आराम हो, मनोरंजन, खेल, खाली समय के लिए समुचित व्यवस्था हो सके। देख, और जो खाली समय है उसके लिए जो एक जो समुचित क्या हो सके, व्यवस्था हो सके। कार्य स्वयं की व्यक्तिगत पहचान को विकसित करने और स्वाभिमान बनाने में उत्प्रेरक का कार्य करता है। देखिए, कार्य जब करेगा तो व्यक्ति की क्या व्यक्तिगत पहचान बनेगी। अगर आप कहीं जाते हो, ठीक है, वहाँ किसी फंक्शन में जाते हो, वहाँ पे लौते छोला ओला बना रही है, आप भी चले गए तो आपने कहा हम करवा दें, तो क्या होगा इससे आपकी क्या कि हाँ देखो उनकी बहू कितनी जल्दी जल्दी काम कर लेती है। तो एक व्यक्ति के पहचान को विकसित करने और स्वाभिमान बनाने में क्या है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। कार्य अनेक रूप में योगदान देता है, जो कार्य है वो अनेक रूप में योगदान देता है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें स्वयं को विकसित अथवा कुशलता का बोध होता है। जब भी हम कोई कार्य करेंगे तो हमें स्वयं को लगेगा कि हम विकसित हैं और कुशलता का बोध होगा। हम अपनी आवश्यकताओं, वित्तीय लाभ को एक चुनौती के रूप में लेंगे। हम बेहतर का निर्माण करके संस्थान को बेहतर ख्याति दिलाकर, बेहतर लाभ कराकर, जो उस संस्थान के लिए भी योगदान देने देते हैं, जो हमें क्या करता है, नौकरी देता है। हमारा कार्य हमारे आसपास के परिवेश में जीवन की गुणवत्ता पर ही अपना प्रभाव डालता है। और जो हमारा जो वर्क है, हमारा कार्य है, वो क्या करता है, हमारे आसपास के जो परिवेश है, हमारे आसपास जो है परिवेश में जीवन की जो गुणवत्ता पर ही अपना क्या करता है, प्रभाव डालता है। किसी ने सही कहा है कि कार्य वह तेल है कि जो समाज रूपी मशीन के लिए स्नेह का कार्य करता है। तो कार वह तेल है जो समाज रूपी मशीन के लिए स्नेह का कार्य करता है। केवल मनुष्य नहीं, प्रकृति के सभी जीव तत्व नियंत्रक कार्यरत हैं, जीवन चक्र में अपना योगदान देते रहते हैं। यह मानव और प्रकृति का सामूहिक कार्य है जो हमारी आधारभूत आवश्यकता पूरी कर रहा है, हमें सुख साधन सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। अधिकांश मामलों में कार से कार्यकर्ता को जो कार है उसे जो कार्यकर्ता को आजीविका प्राप्त होती है। परंतु अन्य लोग ऐसे भी हैं जो क्या है, आनंद, बौद्धिक प्रोत्साहन, समाज को योगदान इत्यादि के लिए निरंतर कार्य करते हैं कि उन्हें क्या आनंद मिलता है, उनके जो बौद्धिक प्रोत्साहन यानी कि उनको क्या, उनको लगता है कि हाँ मेरा माइंड थोड़ा अच्छा होगा, वो समाज को योगदान देने के लिए क्या करते हैं, वो कार्य करते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि वे इससे कोई धन अर्जित नहीं कर रहे हैं, उदाहरण के लिए गृहणियों माताओं द्वारा किया गया कार्य, जो गृहणियों माताओं दिया गया कार्य, ऐसे लोगों के कार्य एक कर्तव्य भी हैं जो एक योगदान भी हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कार्य एक कर्तव्य भी है और एक योगदान भी है। इस प्रकार कार्य सदैव इसलिए नहीं किया जाता कि कोई व्यक्ति उससे कितना धन कमा रहा है, ये नहीं है कि कार्य बस इतना करने की बस धन कमाना, नहीं, बल्कि वह स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, जो आपके समाज और दुनिया के लिए क्या योगदान दे रहा है, मतलब ये नहीं बस कार्य इसलिए कर रहे हैं कि मैं धन कमाना है। देखिए, कभी आप किसी के यहाँ जाते हो तो भी काम कराते हो, बैठे नहीं रहते, लाइए हम करवा दें, तो सिर्फ धन कमाने के लिए नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए भी, क्योंकि आप अपने लिए भी कार्य करते हो भाई, घर में अगर झाड़ू पोछा लगाते हो तो अपने लिए भी कर रहे हो, परिवार में भी कर रहे हो, समाज और दुनिया के लिए भी योगदान दे रहे हो। तो ये चीज़ है, ये नहीं कि कार बस हम धन कमाने के लिए करते, नहीं,
कार्यों को हम इन रूप में देख सकते हैं। जो हम कार्य करते हैं उनको हम इन रूप में भी देख सकते हैं। एक नौकरी और अनेक व्यक्तियों के लिए आजीविका का साधन है। तो क्या एक नौकरी है वो अनेक व्यक्तियों के लिए किसका आजीविका का साधन है? बिल्कुल, जब नौकरी होगी तभी तो इंसान अपने घर का खर्चा उठा पाएगा, अपने सदस्यों की जो पूर्ति है वो कर पाएगा सामानों की। एक ऐसा कार्य अथवा कर्तव्य जिसमें बाध्यता का बोध निहित है, एक ऐसा कार्य हो कर्तव्य हो जिसमें क्या बाध्यता का बोध निहित हो। नौकरी और आय प्राप्ति द्वारा आजीविका का सुरक्षा का माध्यम है। नौकरी और आय प्राप्ति द्वारा जो आजीविका सुरक्षा का माध्यम है। धर्म अथवा कर्तव्य स्वयं के सच्चे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, स्वयं की विलक्षण प्रतिभा की अभिव्यक्ति, जो स्वयं और आसपास के व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता को क्या करती है, प्रभावित करती है। आधिमिक आचरण का एक भाग एक क्या होता है, जो आधिमिक आचरण का क्या है, एक भाग है कार्य। स्वयं की सृजन क्षमता का माध्यम, व्यक्ति की जो स्वयं की सृजन, खुद की सृजन मतलब क्षमता, स्वयं की सृजन क्षमता का माध्यम, मतलब किसी चीज़ को अपने अंतर अंतर्निहित कर लेना, सृजन कर लेना किसी चीज़ का, तो स्वयं की जो सृजन क्षमता का माध्यम है कार्य। आनंद और पूर्ण मानसिक संतुष्टि का स्रोत, कार्य करना अपनी जीविका उपार्जित करना, कार्य करना और अपनी जो जीविका उसको उपार्जित करना, मूलता भावी आशा स्वाभिमान गरिमा के लिए अवसर प्रदान करना। पद है शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक है। एक लाभप्रद अनुभव एक प्रकार का मानसिक भौतिक कार्य जिसके अंत में सफलता मिल सकती है। स्व विकास यानी अपना विकास स्व कार्यान्वयन का साधन, स्व का विकास और स्व कार्यान्वयन का साधन है। जब कोई व्यक्ति अर्थपूर्ण कार्य में सम्मिलित होता है, जब कोई व्यक्ति जो अर्थपूर्ण कार्य में सम्मिलित होता है तो उसमें क्या होती है, पहचान महत्व प्रतिष्ठा का बोध विकसित होता है। वो कार्य जिसमें अर्थपूर्ण कार्य में, जब कोई व्यक्ति अर्थपूर्ण कार्य में सम्मिलित होगा, कोई भी जो बिल्कुल अर्थपूर्ण है मीनिंगफुल है उस कार्य में सम्मिलित होगा तो उसमें क्या मिलेगी, पहचान मिलेगी, महत्व मिलेगी, प्रतिष्ठा का बोध होगा और वो विकसित होगा। अर्थपूर्ण कार्य क्या है? अर्थपूर्ण कार्य समाज अथवा अन्य लोगों के लिए उपयोगी होता है। जो अर्थपूर्ण कार्य है वो किसके लिए उपयोगी होता है, समाज के लिए उपयोगी होता है, अन्य लोगों के लिए उपयोगी होता है, जिसे जिम्मेदारी से किया जाता है और करने वाले के लिए आनंददायक भी होता है। जो कर रहा है उसके लिए क्या होता है, आनंददायक भी होता है। ये कार्य करने वालों को अपने कौशल अथवा समस्या समाधान की योग्यता के लिए सामर्थ्य बनाता है। सही बात तो यह है कि कार्य एक ऐसा वातावरण में संपादित किया जाना चाहिए जो सकारात्मक हो, यानी पौष्टिक व्यावसायिक संबंधों के विकास को प्रेरित करे, जिससे मानता तथा लाभ प्राप्त हो सके। जब किए गए कार्य का परिणाम जो है वो अर्थपूर्ण सफल होता है तब यह व्यक्तिगत विकास में योगदान देता है, अपने आप में विश्वास महत्व जागृत करता है, अतः इससे कार्य को संपन्न करने की क्षमता मिलती है। कार्य अपने स्वयं के जीवन की और व्यापक रूप से समाज की परिस्थितियों को सुधारने के लिए योगदान के अवसर क्या कराता है, उपलब्ध कराता है। किसी कार्य में कार्यरत व्यक्ति के लिए उसके व्यक्तिगत गुणों प्रतिभाओं अभिरुचियों योग्यताओं कौशलों के प्रति जो सबसे अधिक अनुकूल है वह महत्वपूर्ण है। तो किसी भी कार्य में कार्यरत, कोई भी कार्य है उसमें कार्यरत व्यक्ति जैसे कर्मचारी है या स्वयं की नियुक्ति के लिए उसके व्यक्तिगत गुण जो उसके खुद के गुण है, प्रतिभाओं अभिरुचि योग्यता है कौशल के प्रति जो सबसे अधिक अनुकूल है वो क्या है, वो महत्वपूर्ण है। यह जीवन भर की जीविका का मार्ग प्रतिष्ठित करता है।
कुछ ऐसा चुनना आवश्यक है जिसके करने के लिए व्यक्ति का उत्साह बना रहता है। किसी के लिए और सभी के लिए कार्य जीवन सही रूप में उसकी क्षमताओं आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। व्यक्ति जो कार्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं और वे भी जो एक करियर बनाने की सोच रहे हैं, स्वयं से कुछ प्रश्न पूछते हैं क्या कि एक व्यवसाय के लिए मेरी विशिष्ट प्रतिभाएं, विशेषताएं, अभिरुचि क्या है। कोई भी व्यवसाय करने के लिए जो मेरे अंदर जो टैलेंट है विशिष्ट, वो क्या है, विशेषताएं क्या है, जो अभिरुचि क्या है। सबकी एक कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है। वो क्या कार्य प्रेरक है और चुनौतीपूर्ण है, क्या कार्य प्रेरक है और चुनौतीपूर्ण है, ये भी। क्या वह व्यवसाय मेरे उपयोगी होने का बोध कराने वाला है, क्या यह नौकरी मुझे आभास कराती कि मैं समाज के लिए कुछ योगदान कर रहा हूँ, क्या कार्यस्थल का वातावरण और लोकाचार मेरे लिए उपयुक्त रहेगा, ये सब। अधिकांश लोगों के लिए अपनी और परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अपनी जीविका उपार्जित करना निश्चित रूप से अति आवश्यक और अनिवार्य होता है। बिल्कुल सही। जो अधिकांश लोग के लिए अपनी और परिवार की जो मूलभूत कुछ आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए अपनी जो जीविका है उपार्जित करना, यानी जीवन जीने के लिए जीविका तो उपार्जित करनी ही पड़ेगी, उपार्जित करने की निश्चित रूप से अति आवश्यक और अनिवार्य होता है। भाई जब तक करियर नहीं होगा, आपके पास जीविका नहीं होगी, तो आप अपना कैसे सब संतुष्टि कर पाओगे। अधिकांश कार्य धन कमाने के लिए होते हैं। बिल्कुल। देखिए अधिकांश जो कार्य होते हैं वर्क क्या होते हैं, धन कमाने के लिए होते हैं। इन कार्यों को परंपरागत रूप से नौकरी कहा जाता है। नौकरी करते हैं हम तो उस समय धन मिलता है। फिर भी बहुत से व्यक्ति जीविका के लिए अपने कार्य को करते हुए नौकरी से हट के कुछ अलग कार्य भी करते हैं और करियर मात्र एक नौकरी से कुछ अधिक है। कोई भी यह कहकर नौकरी और जीविका में भेद कर सकता है। नौकरी उसके निमित्त कार्य करना है तो नौकरी उसके निमित्त कार्य करना है, जबकि कैरियर जीवन को बेहतर बनाने की प्रबल इच्छा, आगे बढ़ने को विकसित होना, चुने हुए कार्य के क्षेत्र में स्वयं को प्रमाणित करने की आवश्यकता से जुड़ा है। गत वर्ष में कैरियर के बारे में जो संकल्पनाएँ में परिवर्तन हुआ है, मतलब जो बीते वर्षों में जो कैरियर के जो अर्थ में परिवर्तन हुआ है, अब मात्र नौकरी प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। जो भी परिवर्तन हुआ है उसमें कैरियर में, उसमें ये नहीं है कि बस कैरियर नौकरी प्राप्त कर लेना कैरियर हो गया, नहीं। सफलता प्राप्ति के लिए बहुत आवश्यक है कि निरंतर नए कौशल सीखे जाए, नई नई स्किल सीखी जाए, उन्हें उन्नत करें, विषय की नई जानकारी प्राप्त करें, कार्य क्षमता बढ़ाए, जो कार्य क्षमता उसको बढ़ाए, उसमें वृद्धि करे अपनी। आज के ज़माने में शिक्षा की युवावस्था प्रारंभिक व्यवस्था में ही नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि इसे व्यक्ति के कैरियर के बीच अथवा यदि आवश्यक हो तो बाद के वर्षों में भी जारी रखना चाहिए। कोई व्यक्ति निश्चित कैसे करे कि वह कौन सा कैरियर अपना है, यानी कोई व्यक्ति है वो कैसे सोचे कि मुझे ये कैरियर में जाए या सब कुछ अच्छा होगा। अनेक बच्चे अपने माता पिता के पद चिन्हों के अनुसार ये निश्चित कर सकते हैं। दूसरे उन कैरियर को भी अपना सकते हैं जो उनके माता पिता के कैरियर से भिन्न है। ये नहीं कि माता पिता ने जो कैरियर किया वो तो चुन ही सकते हैं, साथ ही ये भी है कि माता पिता के जो कैरियर उससे भिन्न भी चुन सकते हैं। कैरियर जिनके बारे में माता पिता ने उनके लिए सोचा हो है। किसी भी मार्ग के चयन में सबसे महत्वपूर्ण मापदंड ये कि व्यक्ति चयनित मार्ग के लिए गहन रुचि, कोई भी जो आप जो मार्ग चयनित कर रहे हो उसमें क्या करो, गहन रुचि रखो, अभिलाषा महसूस करो। कैरियर के विकल्प में निर्णय लेने के लिए कठिन पहलू यह भी है कि व्यक्ति को नौकरी में आनंद आना चाहिए। आप जो भी नौकरी कर रहे हो उसमें आपको आनंद आना चाहिए, विशेष रूप से जब उसने अपने परिवार का वित्तीय दायित्व अपने ऊपर ले रखा हो। आप कोई भी नौकरी करो उसमें आपको आनंद भी ले आना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने परिवार का वित्तीय दायित्व अपने ऊपर ले रखे हो तब। कार्य जीविका और आजीविका, देखिए आप जानेंगे जो कार्य क्या है, जीविका क्या है
और आजीविका है। देखिए, कार्य नियत परिणामों की गतिविधि का एक समूह है। जो कार्य है वो क्या है? नियत परिणामों की गतिविधि का एक समूह है। फिर भी ये आवश्यक नहीं है कि यह वह वेतन के लिए ही काम करे। ये जरूरी नहीं है कि हम कार्य सिर्फ वेतन के लिए करें। इसमें उद्यम वृत्ति, परामर्श, स्वव्यक्ति, अनुबंध, समाज कल्याण के लिए सामाजिक कार्य, अन्य व्यावसायिक गतिविधियाँ सम्मिलित हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि हम किसी को परामर्श दे रहे हैं, परामर्श दे के कार्य कर रहे हैं, समाज कल्याण के लिए कार्य करें, समाज में अपनी स्वच्छा वृद्धि के लिए नहीं, अपनी इच्छा के लिए कार्य कर रहे हैं, अपने व्यवसाय के लिए कार्य कर रहे हैं। तो या हम किसी के घर गए तो अपनी रिश्तेदारी निभाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि कार्य हम सिर्फ वेतन पाने के लिए करें। जीविका का अर्थ है साधन और व्यवसाय जिसके द्वारा कोई मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं की सहायता करता है। तो जीविका का क्या अर्थ होता है? कि जो साधन है और व्यवसाय है जिसके द्वारा कोई मूलभूत जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं की सहायता करता है और अपनी जीवन शैली को बनाए रखता है। इसमें व्यवसाय, जीविका मार्ग, जीवन शैली से संबंधित कार्य की रूपरेखा सम्मिलित है। दूसरी ओर जीविका जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग रूप में विशिष्ट होती है, उसमें बदलाव भी आता रहता है। जीविका एक जीवन प्रबंधन संकल्पना है। तो जीवन प्रबंधन संकल्पना है जीविका। जीवन पर्यंत जीविका में विकास होता है। जीवन पर्यंत क्या होता है? जो जीविका में विकास होता है जिसमें प्रबंधक भूमिकाएं वैतनिक और अवैतनिक कार्यों में संतुलन बनाए रखना सीखना, संतुलन बनाए रखना सीखना तो शामिल है ही। आपकी जो यानी वेतन मिलेगा वो और जो ना वेतन मिलने वाले कार्यों में क्या करना, संतुलन बनाए रखना। साथ ही व्यक्तिगत जीवन संबंधी भूमिकाएं निजी तौर पर तय किए गए भविष्य की ओर गमन के लिए आवश्यक कभी भी कहीं भी किए जाने वाले परिवर्तन भी सम्मिलित हैं। वेबस्टर शब्दकोश में जीविका को इस प्रकार परिभाषित किया है कि विशेष रूप से जो क्या होता है, सार्वजनिक व्यावसायिक अथवा व्यापारिक जीवन से जुड़े निरंतर प्रगतिशील क्षेत्र जो सार्वजनिक यानी सभी के लिए, सार्वजनिक व्यावसायिक यानी व्यवसाय वाले, व्यापारिक यानी व्यापार से जुड़े हुए जीवन से निरंतर प्रगतिशील क्षेत्र व्यवसाय और कार्य है। श्रम अथवा कर्तव्य जो व्यक्ति द्वारा उसकी आजीविका के लिए चयनित जीविका और रोजगार का समान माध्यम है। श्रम जो हम श्रम कर रहे हैं और कर्तव्य जो व्यक्ति द्वारा उसकी जो आजीविका के लिए चयनित जीविका, उसकी आजीविका यानी उसका कैसे खर्चा पानी चलेगा, वो आजीविका के लिए चयनित जीविका अथवा रोजगार का समान माध्यम है। कोई व्यक्ति जो कुछ भी चुनता है व्यापक रूप से वह शरीर और मनोवृत्ति दोनों का पोषण करने के साथ साथ दूसरों को भी क्या करता है, लाभ देता है। कार के बहुत से परिपेक्ष होते हैं। जो कार होते हैं उनके बहुत से परिपेक्ष होते हैं। व्यापक रूप से कार के प्रचलित अर्थ हैं। देखिए, कार एक नौकरी और जीविका के रूप में कार, एक नौकरी के रूप में और एक जीविका के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ कार मुख्य रूप से आय का स्रोत है। जब हम एक नौकरी करेंगे जो कार, तो कार क्या हो जाएगा, एक आय का स्रोत हो जाएगा जो ऐच्छिक परिणाम उपलब्ध कराता है। क्योंकि हम नौकरी अपनी इच्छा से कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अपने परिवार को सहायता प्रदान करने के लिए नौकरी करना, अपने परिवार को हम क्या, एक सहायता प्रदान करने के लिए नौकरी करेंगे। इसमें व्यक्ति को नौकरी करने का संतोष अर्जित आय के रूप में होता है। जीविका के रूप में कार्य करना, इसमें व्यक्ति अपने कार्य को निरंतर उन्नत और व्यावसायिक रूप में उच्च पद स्तर वेतन उत्तरदायित्व के रूप में देखता है।
व्यक्ति जो जीविका के लिए कार्य करता है पर्याप्त समय ऊर्जा लगाता है। जो भी जीविका के लिए कार्य करेगा उसमें पर्याप्त समय लगाएगा, ऊर्जा लगाता है, क्योंकि ऐसा करने पर ही उसे भविष्य में क्या मिलेगा, लाभ होगा। ऐसे लोगों को नौकरी के दौरान निरंतर बढ़ने और उपलब्धियां प्राप्त करने से संतुष्टि प्राप्त होती है। कुछ लोग होते हैं जो नौकरी में सोचते जल्दी से प्रमोशन हो और ऊँचे पद पर जाए और ऊँचे पद पर जाए। वो फिर आपका जीविका के रूप में मनपसंद कार्य, तो कार्य को अपनी मनपसंद जीविका मानकर उससे करने और व्यक्ति को संतोष मिलता है। तो कार्य को क्या है, मनपसंद, ये मान रहे हो कि हाँ ये मेरा मनपसंद कैरियर है, ये मान के उसे करने पर व्यक्ति को क्या बहुत ही संतोष मिलता है, वो बहुत ही खुश हो रहा है। हाँ, इसे जीविका को करने के लिए उससे प्रेरणा मिलती है, वह आंतरिक और उत्कृष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित होता है। तो वो क्या होता है, जो आंतरिक है और उत्कृष्ट उद्देश्य को उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या होगा, प्रेरित होगा। ये जो है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, निम्नलिखित दंत कथा अभी तक विवेची संकल्पनाओं को दर्शाती है, तो ये नॉर्मल से आप देख लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं दिखा दे रही हूँ लाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कार्य आराम मनोरंजन, सभी व्यक्ति अपनी पसंद परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुसार कार्य करते हैं। बिल्कुल सभी व्यक्ति की अपनी पसंद होती है, अपनी परिस्थितियां होती हैं और अपनी आवश्यकता होती है, उसी के अनुसार कार्य करते हैं। कार्य का प्रकार और मात्रा कार्य की परिस्थितियों से निकट संबंध रखते हैं। ये दोनों बातें उत्पादन और परिणाम का निर्धारण करती हैं, ये दोनों बातें उत्पादन का और परिणाम का निर्धारण करती हैं, जो जीविका अवधि की महत्वपूर्ण पहलू है। अच्छे परिणाम और उत्पादन को प्राप्त करने के लिए सभी मनुष्यों के लिए आवश्यक है, और एक अच्छा रिजल्ट पाने के लिए उत्पादन को प्राप्त करने के लिए सभी मनुष्यों के लिए क्या है, आवश्यक है कि वे आराम करें, थकावट मिटाएं, स्वयं को तरोताजा कर ले। अतः बेहतर गुणवत्ता वाले जीवन और तंदुरुस्ती को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि आराम मनोरंजन अवकाश की गतिविधियों के अवसर का लाभ उठाए, इसके लिए समय निकालें। अवकाश और मनोरंजन की गतिविधियां वे हैं जो आराम, सुख, भागीदारी उपलब्ध कराती हैं। विशेष रूप से हंसी मजाक, मनोरंजन स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को आराम अवकाश का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को आराम करने का और अवकाश यानी छुट्टी लेने का क्या अधिकार है। साथ ही कार्य करने के समय की औचित्यपूर्ण सीमा के अलावा समय समय में सवेतन छुट्टियां मिलनी चाहिए। क्या होना चाहिए, कार्य करने के समय की जो ये है कि हाँ इतना समय निर्धारित किया कि यहाँ कार्य करना है, उसके अलावा आपको छुट्टी भी मिलेगी प्लस उसके साथ आपको आपका वेतन भी मिले। व्यवसायिकों और विद्यार्थियों को काम के दबाव से बचाने के लिए आराम करना चाहिए ताकि उनकी उत्पादकता प्रभावित ना हो। जो व्यवसायिकों को उनके काम के जो दबाव से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए ताकि उनकी उत्पादकता प्रभावित ना हो। वरना आराम नहीं करेंगे तो जो उनकी उत्पादकता है वो क्या होगी, प्रभावित होगी। सबसे समान और प्रभावी तरीका यह है कि किसी भी प्रकार के मनोरंजन में भाग लें। मनोरंजन कोई भी हो, इस प्रकार की गतिविधि हो जो शरीर को, मन को, आत्मा को आराम दे। कोई भी मनोरंजन करे उसमें ऐसी गतिविधि हो जो शरीर को, मन को, आत्मा को आराम दे और व्यक्ति को कठिन कार्य जो शारीरिक और मानसिक हो से राहत मिलती रहे। वास्तव में 8 घंटा प्रतिदिन की अवधारणा अथवा 40 घंटे प्रति सप्ताह की शुरुआत ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति से हुई, जहां बड़ी फैक्ट्रियों के औद्योगिक उत्पादन ने कार्य जीवन को बदल के रख दिया है। बदले में कार्य करने के अधिक घंटे अनियमित और निष्कृष्ट परिस्थितियों को थोप दिया है। बाल श्रम का चलन समान था। सप्ताह में 6 दिन 10 से 16 घंटे की लंबी कार्य अवधि प्रचलित थी। इस प्रकार का नारा उभर कर आया कि 8 घंटे श्रम, 8 घंटे मनोरंजन, 8 घंटे आराम। अनेक देशों संस्कृतियों में श्रम दिवस या मई दिवस मनाए जाने में 8 घंटे प्रतिदिन आंदोलन का पुराना इतिहास रहा है। विश्राम और मनोरंजन में वास्तव में कार्य से थोड़ी राहत पाने के लिए मस्तिष्क सोचना और चिंता करना बंद कर देता है। जब विश्राम और मनोरंजन वास्तव में कार्य से थोड़ी राहत पाने के लिए मस्तिष्क क्या सोचना और चिंता करना बंद कर देता है,
यदि तंत्रिकाओं पेशियों को कुछ विश्राम मिलता है तो वे ऊर्जावान हो जाएंगी। बिल्कुल, अगर हम किसी चीज़ को अपने शरीर को विश्राम देंगे तो कुछ देर बाद वो क्या हो जाएगी, ऊर्जावान हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो भी काम अथवा गतिविधि कर रहा है उसमें परिवर्तन करने से यह लाभ मिल सकता है। भाई आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें आप थोड़ा आराम कर लो, विश्राम कर लो, तो क्या होगा, फिर से आप नए ताज़ा हो जाओगे और फिर कार्य करोगे तो फिर क्या होगा, आपको लाभ मिलेगा। विश्राम के लिए व्यक्ति जिन गतिविधियों को अपनाता है वे आरामदायक, स्वादप्रद और आनंदप्रद होनी चाहिए। घर में परिवार के साथ बिताए गए कुछ शांत घंटे क्लब के उत्तेजक और उद्दीप करने वाले माहौल से बेहतर होते हैं। व्यक्ति की गतिविधियों में बिताए जाने वाले जो समय की अपेक्षा जल्दी जल्दी टहलना ज़्यादा कारगर है। देखिए, बेकार में इधर उधर अपना समय वेस्ट करने से अच्छा है कि जल्दी जल्दी टहले, वो ज़्यादा सही है। टेलीविज़न देखना एक सबसे बड़ी समय बिताने वाली मनोरंजन की गतिविधि है। कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर और वीडियो, खेल खेलना, पढ़ना, संगीत सुनना, फिल्म देखना, बागवानी करना, तैरना, गाना मनोरंजन के अनुदाहरण है। संक्षेप में इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को ऐसे काम में स्वयं को लगाना चाहिए जिससे उसे आनंद मिले। कोई अभिरुचि, मनपसंद खेल, समय बिताने का कोई अन्य तरीका मिले। कल हम लोग जो क्लास में पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता, इसको समझेंगे। आज की क्लास में इतना ही, लेसन वन है, अभी ये लंबा चलेगा क्योंकि बहुत ही लंबा टॉपिक है ये। तो फ्रेंड्स, क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।